हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ़ोटोशॉप में कुछ बेसिक एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ़ोटोशॉप में, ये देखिए ये हमारा फ़ोटोशॉप खुल गया। ये इसके इंटरफेस है, ये प्लेट्स है, इनके एडिटिंग प्लेट्स जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले फ़ोटो ओपन करते हैं, फाइल में गए, फिर ओपन में जाएंगे, कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब इस फ़ोटो में देखिए डार्कनेस थोड़ा है, तो हम इसे डार्कनेस को दूर कैसे करेंगे? तो हम कीबोर्ड के बटन CTRL+F1 प्रेस करेंगे, ये बॉक्स खोलेगा। इसके बाद ये इस कर्व को थोड़ा सा ऊपर करेंगे। देखिए जैसे जैसे ऊपर करेंगे वैसे वैसे फ़ोटो का ब्राइटनेस बढ़ाता जाएगा। उसके बाद अपने एडजस्ट करके ओके कर देंगे। देखिए हमारा फ़ोटो ब्राइटनेस हो गया ज़रा सा। अब इसमें अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हमें रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ़ोटो को जूम कर लेंगे ताकि देखने में आसानी हो। कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट होगा फ़ोटो पर, जैसे ये टीका है पीला कलर का, काजल है लगा हुआ ज़्यादा, ये सब को हटाना है ताकि फ़ोटो अच्छा दिखे। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए रेड कलर से मार्क किया हुआ है, इस टूल का इस्तेमाल करेंगे। और जिस किसी ऑब्जेक्ट को हटाना है उसके चारों ओर माउस की सहायता से राउंड कर देंगे। और स्किन कलर जैसा हमें वहाँ जिस कलर को चाहिए वहाँ ड्रैग करके, देखिए ऊपर मैंने ड्रैग किया वहाँ उसी कलर का वहाँ एडजस्ट हो गया और वो पीला डार्क ख़त्म हो गया। उसी प्रकार मुझे इस भाग को भी हटाना है, तो हम सेम प्रोसेस वही करेंगे। देखिए उसके बाद हम फोटो को एक्चुअल पिक्सल में लेके आएंगे, फिट ऑन स्क्रीन में क्लिक करेंगे, ये हमारा एक्चुअल पिक्सल में आ गया। अब हम मान लेते हैं उस फोटो को किसी सीन के अंदर रखना है। जैसे मैंने ये सीन सेलेक्ट किया और इस फोटो को उस सीन के अंदर रखना है, तो क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। ये हमारा थर्ड मैग्नेटिक लैसो टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए मैग्नेटिक लैसो टूल तीसरा नंबर, बहुत ही ईजी है इसका इस्तेमाल करना, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी का इस्तेमाल करें सेलेक्ट करने के लिए। इसके लिए हमें सेलेक्ट करने के बाद टूल को फोटो के कोई भी पार्ट पर उसको एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे माउस की सहायता से पूरे फोटो के चारों तरफ घुमाते चले जाएंगे, जैसा आप देख रहे हैं। स्मूथली आपको घुमाना है, जल्दबाजी नहीं करना, एकदम धीरे धीरे घुमाते जाइए।
आपका सिलेक्ट ऑटोमेटिक होता जाएगा। देखिए ये हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। फोटो सिलेक्ट करने के बाद हम सेलेक्ट ऑप्शन में आएंगे और इस फेदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस CTRL प्लस D का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ वैल्यू 3 या 5 कुछ भी रख के ओके कर दीजिएगा। उसके बाद इस सिलेक्शन टूल की सहायता से ड्रैग करके उस फोटो को इसमें ला कर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसे अपने अनुसार एडजस्ट करके छोटा करेंगे माउस की सहायता से और इस फोटो में मैच करके देख लेंगे जैसा दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, उस हिसाब से इसे फोटो को बड़ा या छोटा करके इसमें बैठा लेंगे। टिक का निशान है इसके ऊपर, ओके कर देंगे। ये हमारा फोटो सीन के अंदर बन चुका है। आप भी ट्राई करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अच्छे से हो जाएगा आपका। अब इस फोटो को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद ओके कर दिए। अब चलते हैं हमारा दूसरा एडिटिंग की तरफ। जैसे ये फोटो मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस फोटो पे जो आकाश दिख रहा है वहाँ किसी का फ़ोटो रहे। जैसे इस कृष्ण भगवान का एक फ़ोटो मैंने लिया है, अब इस फोटो को आकाश में हमको दिखाना है तो कैसे होगा देखिए। सबसे पहले उस टूल में जाएंगे, क्लोन स्टाम्प, ये देखिए रेड से मार्क किया हुआ है क्लोन स्टाम्प टूल। और अल्ट बटन को प्रेस करते हुए फ़ोटो के बीच में एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद माउस को इस फोटो पर ले आएंगे और डायमीटर को बढ़ा देंगे थोड़ा सा और फोटो को धीरे धीरे माउस के राइट क्लिक के सहायता से दबाते हुए धीरे धीरे स्टेप से हम लोग करेंगे। ये देखिए हमारा फोटो यहाँ आ रहा है, उतना अच्छा से नहीं हुआ मगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा होगा। चलिए ये हमारा दूसरा था, अब चलते हैं तीसरे एडिटिंग के बारे में। मान लीजिए एक फ़ोटो है, इसके जो रेड कलर का कपड़ा, इसका रंग हमें बदलना है तो क्या करेंगे, तो भाई मैग्नेटिक टूल का इस्तेमाल करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। जिस कपड़ा का रंग हमें बदलना है उस कपड़े को सेलेक्ट करेंगे।
धीरे धीरे सेलेक्ट करना है, स्मूथली हो जाएगा सेलेक्ट। देखिए हमारा सेलेक्ट हो गया है, ये इमेज ऑप्शन में जाना है। ये देखिए रेड से मार्क किया हुआ है, उसके बाद एडजस्टमेंट में हुई एंड सेटुरेशन में जाना है, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद हमें ये फर्स्ट वाला को ही कम और ज़्यादा करना है इसके वैल्यू को, तो वहाँ अपने आप कलर चेंज होता जाएगा। देखिए ये मैंने कम किया, कलर चेंज हो रहा है। ये मैंने वैल्यू इसका बढ़ाया, देखिए ये कलर चेंज हो रहा है। जितना वैल्यू बढ़ाएंगे वो कलर जैसा आप कलर चाहते हैं वो चेंज होता जाएगा। हम इसे कट कर देते हैं। और एक आखिरी स्टेप मैं बता देता हूँ, मान लीजिए ये आपका प्लेट से सारा गायब हो जाए अचानक से, तो आप उसे वापस कैसे लेके आ आएंगे? देखिए क्या करना है, अगर गायब हो जाता है तो हमें विंडो पर क्लिक करना है। विंडो पर क्लिक किए, वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे, उसका सेट प्लेट्स लोकेशन, देखिए हमारे ये सारा प्लेट्स वापस आ गया, एडिटिंग प्लेट्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।